मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रयोग संख्या सेकंड केमिस्ट्री का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिकल फाइल है जो कि आप अपने प्रैक्टिकल फाइल में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स का प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में, वहां से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप और एक 10 मिनट का वीडियो हमने पूरे उसमें पूरा फिजिक्स का अपलोड किया है। मित्रों, प्रयोग संख्या सेकंड आप देखिए क्या कह रहा है। प्रयोग संख्या सेकंड में क्या उद्देश्य है? दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक की पहचान। मित्रों, प्रयोग संख्या जो सेकंड है, क्या उद्देश्य है? हम लोग प्रयोग संख्या सेकंड के अंतर्गत आखिर में सीखना क्या चाहते हैं, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक की पहचान, राइट। दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक की पहचान। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक की पहचान में कैसे आपको पहचान करना है। यहाँ पर मित्रों आप देख पा रहे हैं, प्रेक्षण सारणी है, अम्लीय मूलक की पहचान करना है। ये आपको अवलोकन में देखिए किस प्रकार से आपको कालम बना के इसमें लिखना है। मित्रों आप देख पा रहे हैं, ये अम्लीय मूलक है, यहाँ ये प्रयोग संख्या है, ये प्रयोग है, अवलोकन है, निष्कर्ष है, राइट। अब ये आप जरा प्रयोग देख पा रहे हैं, जैसे परखंडी में थोड़ा सा मिश्रण लेके तने एस फोर मिलाते हैं, अवलोकन में कोई क्रिया नहीं होती, फिर निष्कर्ष क्या निकलता है? वर्ग ए में अम्लीय मूलक की अनुपस्थिति, राइट। उसी प्रकार आप सेकंड देख पा रहे हैं, फिर आता है इसके बाद थर्ड। तो हम कहेंगे आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो। चौथा भी देख लीजिए, यहाँ पर नीचे है, स्क्रीनशॉट लेंगे आपको लिखने के लिए काम में आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद मित्रों आता है इसमें क्षारीय मूलक की पहचान आप कैसे करेंगे। भाई ये है क्या? देखिए, दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय और क्षारीय मूलक पहचान, एक वीडियो हमने इसी पर बनाया है, वहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर दो आप लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर देखिए शून्य वर्ग में उपस्थित। ये सारे के सारे मित्रों एक्सपेरिमेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें शून्य वर्ग की अनुपस्थिति ज्ञात करना है, प्रथम समूह उपस्थिति ज्ञात करना है, द्वितीय समूह की अनुपस्थिति, तो ये इस प्रकार से, राइट। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद बस इतना ही। प्रयोग संख्या सेकंड में आ रहा है और ये अम्लीय क्षारीय मूलक था। इसके बाद मित्रों हम लोग नेक्स्ट थर्ड में मुलाकात करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।